हमेशा लब्बैक कहा, जब भी हमने कहा कि ये काम हो रहा है तो उन्होंने हमेशा हमारी हौसला अफजाई की है। तो मैं जिसके लिए कहूंगा तमाम प्लेयर्स से कि भरपूर तालियां होनी चाहिए, जोरदार जबरदार। फिर मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि पूरा गुप्त सरफिया से टाइम निकाला और बहुत सारे चीजें छोड़ी के आ जाते और अपने प्रोग्राम के लिए एचजीएमए का एक फैमिली वाला हिस्सा है आप और हमारा। तो ये अब मैं शाह साहब को यहाँ पे कहूँगा कि वो अपने हैरात का इजहार करें इन खिलाड़ियों का। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आसिफ भाई। पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारा एक बनता है कि आप लोगों का शुक्रिया अदा करें कि आप इतना अच्छा इवेंट आप लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया और वो भी इस मोबाइल के दौर में जब बच्चे जो हैं इस किस्म की एक्टिविटी से बिल्कुल टोटली दूर हो चुके हैं, यानी कि आउटडोर गेम्स का जो कंसेप्ट आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म ही होता जा रहा है। और ये मेरे ख्याल में चारी पूल में आप वाइज हैं कि जो जिनको मैं जानता हूँ जो इस किस्म की एक्टिविटी कर रहे हैं। मैं तो मेरा नहीं ख्याल कि इस लेवल की एक्टिविटी पूरे हरिपुर में और कोई कर ही रहा होगा, ये तो बल्कि हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आप आए, आपने हमारे पार्क को रौनक बख्शी और बड़े मशहूर हैं हम, और अब आगे भी जितना तावन हो सकेगा इंशाल्लाह आप सबसे। बहुत बहुत जबरदस्त। ये बच्चे अगर बच गए ना जी यहाँ से और ये बन गए जैसे जैन जैन की तरह, भाई जैन जैन अलामुद्दीन फ्लाइंग ऐसे जवान जब होते हैं ना, और ये अभी आर्मी में माशाल्लाह ऑफिसर है, क्लैपिंग और आपको परफॉर्मेंस भी करके इन्होंने बताई है परफॉर्मेंस भी। और ऐसे मेरे बहुत सारे बेटे जो हैं वो ऑफिसर हैं, जबरदस्त सारे अल्हम्दुलिल्लाह। कोई पुलिस में एक एलीट फोर्स का एक जवान आपको मैं दिखाता हूँ, तारिक आ जाए, तारिक साहब आ जाए आप, जबरदस्त जबरदस्त। ये होता है एलीट फोर्स में अभी ये फ्राइज सर अंजाम दे रहे हैं और माशाल्लाह यही मेरे बेटे हैं, यही मेरी कमाई है, यही मेरा जरिया है। इनको देखता हूँ, इनके चूल्हे जलते हैं तो मुझे खुशी होती है, बस बहुत खूब और कुछ नहीं। आसिफ भाई के लिए मैं एक बात कहता हूँ, जब हमने इनका इंटरव्यू पहला किया ना तो हमें तब से इनसे दिल लगी हुई, इनकी एक ही बेटी है तो उन्होंने कहा कि ये सब बेटे बेटियाँ मेरे अपने हैं, इस वजह से मैं इनको ट्रेन करता हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है, दूसरों के बच्चों को अपना बच्चा समझना और उनके लिए ये काविश करनी इस मुश्किल दौर में। लास्ट में मैं यही कहूंगा जिले इंतजामिया के लिए और खास तौर पे यहाँ के सियासतदानों के लिए जो सिर्फ पोजीशन की सियासत करते हैं, बच्चों को प्रमोट करने के लिए कोई काम नहीं करते। जिले इंतजामिया तनख्वाहें लेती है काम न करने के लिए, अगर काम करना उनसे पढ़वाए आपको तो रिश्वत देनी पड़ती है, ये सच है, अगर माने ना माने ये सच है। और हम हर प्लेटफॉर्म पे कहते रहेंगे जब तक इन बच्चों का फंड इनको नहीं मिलेगा, जब तक इस हरिपुर का फंड इनको नहीं मिलेगा तब तक हम बात करते रहेंगे। और जब मिलेगा आपके सामने ये बच्चे हर नेशनल डे पे आपके सामने परफॉर्मेंस करेंगे जिस तरह दूसरे जिलों में परफॉर्मेंस करते हैं, ये नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते कि इनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। बहुत आला। अब लास्ट में हम सेरेमनी करेंगे, गिफ्ट की सेरेमनी होगी। मैं सैयद वजाद शाह साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो भी गुना गुम सरफिया से टाइम निकाल के हमारे पास आए। अल्लाह इज्जत दे आपको, अल्लाह पाक खुश रखे आपको। जितने भी मेरी बहनें बैठी हुई हैं यहाँ पे, जितने भी पेरेंट्स बैठे हुए हैं, मैं तो शुक्रिया इनका अदा करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अपने बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और इस हरिपुर के मायानाज टीचर सर आसिफ खान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने मुझे इनवाइट किया। और मैं वापस आया हूँ तो मुझे अपनी पुरानी यादें आज फिर ताज़ा हो गई हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि मैं आज जो भी हूँ सर आसिफ खान की मेहनत की बदौलत हूँ, ठीक है ना। इनकी बहुत ज़्यादा मेहनत है। और इस दौर में जब आप अभी पहले भी लोग बात यही कर रहे थे कि सोशल मीडिया का दौर है तो लोग सारे ना मोबाइलों में और इन सोशल मीडिया की एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हो गए, तो इस दौर में अगर कोई हकीकी मानी में मेहनत कर रहा है बच्चों के साथ तो वो सर आसिफ खान है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश होगी एक बार फिर सर आसिफ खान के लिए भरपूर तालियां बजाएं। वो बच्ची अपनी फील्ड की सिल्वर मेडल हुई है, बहुत खूब। ये क्या सर दुनिया में ना तेरी मिसाल है, तेरी फौज पे हम सबको नाज़ है। ये है वाले
अपने बच्चे नहीं लेकिन अपने बच्चों की तरह पाला और आज इस मुकाम पे पहुंची है, ये होती है इज्जत। इसको इज्जत रब की जात जिसको इज्जत दे उसको कोई नहीं रोक सकता। ये अल्लाह पाक की तरफ से इज्जत है और उन सब माओं के लिए अपने बच्चों को ये मौका दे रहा है। देखे हमें पता है ना, तो ये बेटे हमारे, अल्लाह इज्जत दे आपको, आपका शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, थैंक यू। आप हम एक ऐसी बेटी को यहाँ बुलाएंगे जिन्होंने पाकिस्तान में बहुत सारे मेडल हासिल किए, नेशनल गेम में उन्होंने गोल्ड मेडल लिया और जापान से वो सेकंड डाउन है, रिमशा खान। जबरदस्त क्या कहना चाहती है सुपर जिमनास्टिक मार्शल आर्ट के हवाले से, आपका क्या कहना है? थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इधर बुलाया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे आज मैं बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ है और आप सबका शुक्रिया जो आप सबने शिरकत की है। और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है अकेडमी में और माशाल्लाह छोटे बच्चे स्पेशली बहुत ज़्यादा इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। पर मुझे बहुत दुख हुआ है ऑडियंस से कि बैठे रहे हैं पर क्लैपिंग किसी ने नहीं की। तो बच्चों को ज़रूर आप लोग जब भी प्रोग्राम में आए तो लाजमी लाजमी बच्चों की हौसला अफजाई किया करें ताकि बच्चे मज़ीद अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें। थैंक यू सो मच। चाहिए बेटा, असल बात ये है कि मैंने एक जगह पे बोला था आप क्लैपिंग नहीं कर रहे, तो उन्होंने कहा है कि जिमनास्टिक है, जिस वक्त आप जिमनास्टिक में ऐसे काम कर देते हैं तो क्लैपिंग दूर जाते हैं हम, फिर हमें डर लगा रहता है। तो बहुत अच्छे सारे जितने भी लोग आए हैं हमारे बहन भाई सारे, तो मैं अब एक मेडल याद दहानी करवाएगी शाह साहब को, कि शाह साहब बोलेंगे आप इनके गले में डालें शाह साहब के, ये कम अज कम छोटे किसी शहजादे को दे देंगे। तो माशाल्लाह सर ये हमारी तरफ से आपको याद 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 दिलवाएगा सर, आपको तालियां होनी चाहिए, ये गोल्ड मेडल हमारी मेहरबानी। आपके सामने जनाब काशिफ इस्लाम, काशिफ इस्लाम ये मेडल सीनियर का मेडल, ठीक है काशिफ इस्लाम, बारी बारी सबके हाथों से हम उन बच्चों को सलाम प्लीज। जी 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 काशिफ इस्लाम, ये राशिद महमूद, मेहरबानी शुक्रिया, आप हरिपुर को प्रमोट करते हैं, कोहिनूर न्यूज की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करते हैं, 360 का पूरी टीम का शुक्रिया अदा करते हैं, मीडिया के और तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने एक आवाज पे यहाँ पे आ जाए और हमारे हरिपुर के टैलेंट को यहाँ पे सबके सामने लेके आए। अब मैं एक ऐसे वालिद को बुलाऊंगा कि जो इस्लामाबाद में होते हैं लेकिन जब भी छुट्टी होती है तो आकेब आएगा तो आपको मजा आएगा, आकेब आएगा तो मजा आएगा, जरा जोरदार तालियां, और आकेब के बाबा भी आ जाए, प्लीज आप भी आ जाए, क्यूट बेबी, माशाल्लाह माशाल्लाह। आकेब के लिए, आकेब के वालिद को हमने देखा है माशाल्लाह, जब से प्रोग्राम की शुरू हुआ है तो उस टाइम वीडियो बनाने लगे हैं और तमाम बच्चों को अप्रिशिएट कर रहे हैं, इस वालिद के लिए गोल्ड मेडल ने अपने बच्चे की हौसला अफजाई की, जबरदस्त बहुत आला। चंगेज खान आकेब, आप लेफ्टिनेंट आकेब, फ्लाइंग लेफ्टिनेंट जनाब जनरल आबिदीन, आपकी भरपूर तालियों में जनरल आबिदीन। चंगेज खान फिशरी डिपार्टमेंट हरिपुर की मच्छी खानी ने तालियां मारियो है, मिलती नहीं नेत्र बेले नहीं। अपना तौर में मलिक अब्दुर्रहमान और मनी को बुलाऊंगा जो माशाल्लाह अब्दुर्रहमान मंजे हुए खिलाड़ी हैं और बेहतरीन खिलाड़ी हैं और इनको भी गोल्ड मेडल से नवाजा जा रहा है। शाह साहब आप आगे आ जाए, ये शाह साहब
और शाह साहब आप भी आगे आप साथ खड़े होंगे, एक बच्चे को सर्टिफिकेट भी देंगे, ट्रॉफी भी देंगे। इधर जबरदस्त बिलाल खिलाड़ी जो के बेहतरीन खिलाड़ी है माशाल्लाह, क्लैप में गोली चाहिए जबरदस्त। और मैं कहूंगा कि उनके बिलाल शाह साहब और उनके भाई जैन, अच्छा बजाज साहब प्लीज आप आ जाए जबरदस्त। इसके बाद मेरी बेटी ताइबा के बाबा को भी बुलाऊंगा कि वो मेरे पास आए, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त हमारी बेटी ने मेहनत की। आसफ साहब जिनको स्टेज पे बुला रहे हैं साथ साथ ये बताएं कि उनकी परफॉर्मेंस मेहमान खुसूसी का बताएं, जो भी मेहमान आ रहे हैं उनका बताएं साथ साथ ताकि हम आपको पता चले। जबरदस्त बहुत खूब बहुत आला जबरदस्त बहुत खूब दोनों भाई बेहतरीन जनाब। अब मैं आज के ओवरऑल बेस्ट जो के खिलाड़ी है जैन हसन ये अवर हॉल बेस्ट है भाई, ये आप जैन जनाब अब खालिद आएंगे, खालिद हमारे ओल्ड बेहतरीन ओल्ड गोल्ड इसके बाद मैं अपने मेहमान शहजादों को बुलाऊंगा, अच्छा अब्दुल राबे अब्दुल बासित और नजर साहब नजर अवान को जिन्होंने परफॉर्मेंस की यहाँ पे अपनी हिंद को प्रमोट किया, अपने हरियाणा को प्रमोट किया, नजर अवान उनके बच्चे जिन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की, स्टेज पे आ जाए स्टेज पे नजरवान स्टेज पे आ जाए, वीडियो बनाए बाद में पहले स्टेज पे आ जाए, बच्चों की हौसला अफजाई करें सामने आ जाए। ये आपका नाम है नजरवान साहब, आप भी आइए, ये नजरवान साहब आपको खुसूसी आप छोटे को देंगे नजरवान, ठीक हो गया तालियां होनी चाहिए भाई। नजर साहब का मैं फिर कहूँगा कि वो लोग और होते हैं जो भूल जाते हैं, नजर साहब ने सुपर जिम्नास्टिक मार्शल आर्ट्स अकेडमी के साथ बहुत बड़ा किरदार अदा किया है और हर जगह पे हमारे छाना बिछाना रहे, शुक्रिया आपका जनाब। अब एक बेटी ऐसी जिसका मैंने नेम लास्ट प्लेस लिए लिया के लास्ट दाद पॉइंट विन की मरवा खान, माशाल्लाह ये हमारी बहुत अच्छी और बेहतरीन फाइटर है, ये कायनात आ जाओ कायनात बेटा आगे आ जाओ कायनात को फोटो बनाएंगे, जल्दी जल्दी लाइट चलने का इशू है जल्दी जल्दी। इसके बाद सुफियान खान जो के गोल्ड मेडल हुए आज बेस्ट परफॉर्मेंस, उनके बाबा का है चंगेज खान जबरदस्त, चंगेज खान के सब ज्यादा है कि माशाल्लाह ये और स्टिक मूवमेंट की आज इन्होंने बेहतरीन नीचे लगाना है सुफियान खान सरकारी सुफियान खान देने के सस्ते आए जी हूं मौसम हो जाइए कि ओ अपने बच्चा लिया चले गए चंगेज खान साहब जावेद खान ये भी दे दो
अब जनाब मैं शायद अख्तर अवाम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए अपने दस्त मुबारक से। आप हाँ वही ना आप आए। ये मेडल आपने जाइम के गले में डालना है कि जाइम जाइम वो बच्चा है कि जो सारे किरदार आज इसी के देख रहे जाइम आज बेस्ट ये रहा है जनाब। और अगर जाइम के बाबा यहाँ आए तो अगर मेरे पास आए एक बगैर नाम वाला सर्टिफिकेट हो पास कॉलेज के आम है ठीक है एक बगैर नाम इसका नाम नाम लिखा नहीं है तो मुझे शक नहीं आ रहा। जाइम के बाबा अगर हैं इधर तो आ गए इधर आए इधर आ गए ये श्याम भाई का श्याम भाई जी ये श्याम श्याम का नाम ये ने किसका नाम लिया श्याम अब पीछे स्विच होना बच्चे ना बोल रहा कुरैशी छोटी उम्र में माशाल्लाह छा गई और मैं मनीष साहब को बोलूंगा बुराक बुराक नहीं होता है ना ये पीएमए में होते हैं इनको आप छपे किधर है चले मुबारक हो आपको वैसे सामान का ख्याल करना सामान डालना है कोट है मेरा 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 वाला बेटा आप राशिद साहब आएंगे जी इनके सर्टिफिकेट देते जाए जिसका हाथ में आता जाता है सर्टिफिकेट बोलते जाओ जो भी है मेरा कौन है मेरा ये मेरा फहद अयाज खान।